नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमृतसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी की अध्यक्षता में की गई मैराथन की शुरुआत। अमृतसर पुलिस ने किया चोरी की वारदात करने वाले गिरोह को काबू। ऑक्सीजन के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत, दो घायल। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसके संधु अमृतसर आए। इस मौके पर उन्होंने अमृतसर की अलग अलग मंडियों का दौरा किया, वहीं सरकारी खरीद का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने रैया दाना मंडी, भक्तावला दाना मंडी और बाकी अनाज मंडियों का भी दौरा किया। इस पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 4 दिन हो गए हैं सरकारी खरीद को शुरू है, साथ ही मंडियों में कल कोई खरीद नहीं हुई क्योंकि कल छुट्टी का दिन था। कहा कि जो सरकारी खरीद है वह यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं है और जो मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हैं उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज चौथा दिन हैगा, 1 तरीक नूं प्रोक्योरमेंट जिहड़ी आ उह शुरू कीती सी असीं ते इत्थों तकरीबन जिन्नी शनिचरवार, क्योंकि कल ऐतवार सी, कल बोली नहीं लगी सी, सो जिन्नी सैटरडे शाम तक आई हैगी है जां कल आई सी वह अज सारी बोली लग के खत्म हो जाएगी। परसों तक जी सी तकरीबन जी आई सी 60-65% खरीदी जा चुकी सी। सो जिन्नी कल छुट्टी होने करके अज सवेरे बोली शुरू होंद 11 बज जाते हैं, सो बोली लगनी शुरू हो गई है। इतने तकरीबन 6,000 टन सारा माल है, 1509 का, तो दूसरी जी ग्रेड ए पैडी हैगी है, ये सारिया एजेंसियां खरीद रही है, इतने कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एफ सी आई जी है 1509 नहीं ले रही, बाकी जोड़ा है वह एफ सी आई ले रही। देखो कि किन्ना पैसा इन्ह की मिल वाले दे नाल की डील हुई सी, सरकार तो कोई नॉलेज नहीं बारे। इन्होंने किनिया टर्म्स कंडीशन के उपर हर साल मुदत तो शैलर वाले दे नाल इन्ह डीलिंग चल रही है, ठीक है ना। इन्हों का अपना हिसाब किताब है, बासमती की जी है कोई सरकार MSP नहीं निर्धारित करती, सरकार जी ग्रेड ए पैडी की MSP फिक्स करती हैगी है। बासमती की प्राइस जी है इंटरनेशनल मार्केट के नाल लिंकड हैगी है, किसी पिछले तो पिछले साल 5,000 तक भी गई हैगी है, इस साल प्राइस डाउन आ गई हैं, अगले साल हो सकता वध भी जाए। सो ये मार्केट फोर्स जो ऑपरेट कर दी है। प्रॉब्लम ये आ रही है वा भी ये चंगी भली सुक्की ढेरी भी गिला दस के निकल जाते उपर। दूसरा जे कोई आंदे भी आ मेरी ढेरी जी गवर्नमेंट नूं पैण वाली आ ते ये पाउंदे नहीं है, 100 चों 10-15-20 ढेरियां लै के तो चल जाते, बाकी इन्हें छोड़ो, बाकी ये गिला वा, ये फलाना वा, इस तरह वा। नहीं ज़्यादा दिन नहीं होया, ये गल जरूर कल ऐतवार से अब सोमवार आ, उदों पहला शनिवार भी आई हैं तो शुक्रवार भी आई हैं। साड़ियाँ मंगा तो कोई एडिया ज़्यादा नहीं, पर सानू ये मिलना तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ जिहड़ा वा गवर्नमेंट वाल भी ध्यान हो, जिहड़ा नहीं गवर्नमेंट नूं जाण वाला वो प्राइवेट वालिआं नूं जावे। स्वच्छ भारत अभियान के 1 साल पूरा होने पर इसमें और जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में अमृतसर में एक मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें कि सरकारी अधिकारी और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। साथ ही इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने खुद इस हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस पर श्री जोशी ने कहा कि इस मैराथन का मकसद लोगों को जागरूक करना है और गुरु नगरी में लोगों का ये फर्ज बनता है कि वह इसको साफ करें। साथ ही बताया कि वेबसाइट के माध्यम से लोगों को स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और 1 साल पूरा हुआ ये 2 अक्टूबर 2015 में, तो वो पूरा 15वाड़ा हम चला रहे हैं। तो आज स्वच्छ भारत के अधीन हमने कॉरपोरेशन की तरफ से मेयर साहब, कमिश्नर साहब, बाकी सारे NGOs और स्कूलों के बच्चे, प्रिंसिपल्स, बाकी सारे ही जो शहर की एसोसिएशन हैं उनको मिलाकर ये मैराथन निकाली है जागरूकता के लिए, अवेयर करने के लिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो सफल होगा, क्योंकि पहली बार है किसी प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के मन की बात की है
और सब लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान स्वच्छ हो, हमारा मोहल्ला स्वच्छ हो, शहर स्वच्छ हो, हमारी स्टेट साफ़ सुथरी हो और पूरा देश साफ़ सुथरा हो। और छोटी सी बात इस स्वच्छता में जो हमारी अपनी ड्यूटी है, जैसे मोदी जी ने कहा, सब सोचते हैं कि अगर 125 करोड़ लोग इस देश के ये कसम खा लें कि हमने गंद डालना है, हमने कूड़ा फेंकना है बाहर, तो चंद मुलाजिम इसे साफ़ नहीं कर सकते। इसलिए ये लोगों के लिए है, ये देश की जनता के लिए है कि वो अपने खुद को सुधार करे, अपनी आदतों में सुधार करे। आप खुद प्रण ले इसमें कि हमने कि मेरे को गंदगी से नफरत है, मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे ये हमारी भारत की भूमि गंदी हो, हमारा शहर हमारा मोहल्ला गंदा हो। इसलिए सब लोगों के लिए, हम सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एनजीओज को अवेयर कर रहे हैं कि लोगों को और अवेयर करें, और कॉरपोरेशन सरकार अपनी तरफ से जो करना चाहिए वो जी तोड़ हम कोशिश करेंगे, सिस्टम को सुधारेंगे, अपने मुलाजमों को, अपने आप को सुधारेंगे हम। और लोगों से मेरी ये विनती है कि वो इस स्वच्छता के अभियान में पूरा योगदान दें, और हर आदमी इस देश में रहने वाला, इस शहर गुरु की नगरी है जैसे, तो और भी ज़्यादा हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि ये गुरु की नगरी, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और वो लगे कि ये बहुत साफ़ सुथरा शहर है, और ये टूरिज़्म के लिए भी अच्छी बात है कि ये अमृतसर साफ़ सुथरा हो। आज हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है स्मार्ट सिटी की, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इसको डिक्लेयर किया 3 शहरों को पंजाब में, अमृतसर, लुधियाना और जलंधर। और यहाँ कंसल्टेंसी कंपनी है जो JLL, उनको काम दिया है पंजाब की तरफ से, और वो आज कंसल्टेंट यहाँ आए हुए हैं और लोगों को जागरूक करेंगे हमने क्या क्या करना स्मार्ट सिटी में। और दूसरा, स्वच्छ भारत के लिए हमने एक सॉन्ग है जो वो इंट्रोड्यूस किया लोगों को, और स्टिकर्स इंट्रोड्यूस किए कि जो लोगों के घर में जो गैस सिलेंडर जाते हैं उस पर स्टिकर लग कर जाएगा कि अपने शहर को, अपने घर को, अपने इस गली को, बाज़ार को साफ़ सुथरा रखें। और गाड़ियों पर लगेंगे स्वच्छता वाले जो लोगों को अवेयर करने के लिए स्टिकर, और जो गाना है या जो हमने बाइट बनाई है वो भी लोगों को जागरूक करेगी। आम लोगों को ड्राइविंग के समय सुचेत और जागरूक करने के लिए सड़कों पर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। इसका मतलब उन लोगों से है जो जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा गुरदासपुर की पंडोरी रोड के साथ गाजीकोट पुल के पास हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से पुल के नीचे से गुजर रही नहर में जा गिरे। 2 को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया है, परंतु 1 पानी के बहाव के साथ बह गया। पुलिस विभाग की तरफ से लापता लाश की जांच की जा रही है। एक सरदार ही उन्होंने कढ़िया थलों, मैं कंधे से ही, तो पापा होनी नहर के बच्चे गए, तो ताऊ होनी भी नहर के बच्चे गए, तो उन्होंने चलो अगे फड़ लिया उन्होंने टाणी टूनी, तो ताऊ उन्होंने भी टाणी में हाथ पाया, तो वो टाणी टुट गई जी, टाणी ने ताऊ होना हाथ पाया, पापे होना जी टाणी में हाथ पाए बच गए। घटना वा अल 3 बंदे से गुरदासपुर के रहने वाले, जो गुरदासपुर शहजादा नंगल के ही, गुरदासपुर तो तालपुर पिंड में जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, तो इन्हों का मोटरसाइकिल जो ये गाजीकोट पुल से पहुंचे तो बेकाबू होकर मोटरसाइकिल जरा वो नहर में डिग गया, जिन्हों 2 बचा लिया गया। जोड़े बचाए गए उन्होंने एक जैमस से एक पोतरा है स्टीफन है, इन्हें दोनों के सट्टा लगिया, तो उन्होंने सिविल हस्पताल गुरदासपुर भेज दिता से। लेकिन इन्हों के एक जैमस का भरा जूना सगा, जूना मसीह, वो डेड वो नहर में रुड़न करके डेड बॉडी नहीं मिली, तो अच्छे गोताखोर अज मंगवाए आदि डेड बॉडी लभन वास्ते तलाश की जा रही है। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए अमृतसर पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। इसके तहत अमृतसर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने नाकेबंदी के दौरान शक के आधार पर एक मोटर सवार 4 आरोपियों को रोककर तलाशी ली, जिसके चलते पुलिस को उनसे 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जानकारी देते अमृतसर के विधिक डिप्टी कमिश्नर 2 ग्रोवर गर्ग ने बताया कि उक्त आरोपी अमृतसर के अलग अलग जगहों पर चोरी को अंजाम देते थे। साथ ही बताया कि इनके पास से और भी चोरी का सामान बरामद होने की आशंका है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामला ये है कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए मानयोग CP साहब के हुक्म मुताबिक हमने स्पेशल मुहिम चला रखी है लूट खो करने वालों के लिए, और स्पेशल नाकाबंदी करके तो 4 जो स्नेचर जो हैं हमने पकड़े हैं।
इनमें से चार जो हैं उनके नाम हैं हनमनप्रीत सिंह, स्वर्ण सिंह, लवप्रीत सिंह, राहुल कुमार, चारों छियाटा के रहने वाले हैं। दो जो हैं एक मोटरसाइकिल पे गैंग बना के काम करते हैं, दूसरा ग्रुप दूसरी मोटरसाइकिल पे गैंग बना के काम करते हैं। दो मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, 6 मोबाइल रिकवर हुए हैं इनके पास से। 3 वारदातें हमारी जो हैं अभी तक सामने आई हैं, एक FIR नंबर 341, FIR नंबर 322, 311, एक टेलर रोड पे हुई थी, एक आनंद एवेन्यू में हुई थी, एक लॉरेंस रोड पे हुई थी। ये 3 वारदातें हमारी इन्होंने माननी है, और भी वारदातें मान रहे हैं, अभी इनकी इंटरव्यूइंग जारी रहेगी। इनके लूटखो के मामले हैं 379B रेड विथ 34, एंड दूसरा जो पर्चा है 379B का ही है, और पहला वाला पर्चा जो है वो 379B के पर्चे हैं तीनों, ठीक है। जो स्पेशल धारा है 379B जिसमें स्नेचर्स को फ्रेम किया जाता है। नहीं, अभी पुराना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अमृतसर के सरकारी गुरु नानक देव हॉस्पिटल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बड़ा ब्लास्ट हॉस्पिटल के अंदर हुआ। दरअसल जब इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को उतारने का काम चल रहा था, तब इन सिलेंडर्स को उतारते वक्त एक बड़ा ब्लास्ट हो गया जिसमें कि एक की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में दाखिल करवाया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जाँच की जा रही है तथा कार्रवाई की जाएगी। अरे हॉस्पिटल जो हादसा हुआ है, जेडी कंपनी गैस सप्लाई कर दिया है, वो कंपनी वाले अपना ट्रक लेके आए सीगे गैस सप्लाई करन लू, जिस वेले अनलोड कर रहे सीगे उन्होंने वर्कर्स समान नू, ते उस वेले उन्होंने सिलेंडर दा ब्लास्ट हुआ है। जेडी कंपनी जेडी सप्लाई कर रहे है ओही जिम्मेवार है, ते असीं पता करांगे उन्होंने बुला के उन्होंने मालकां नू की प्रॉब्लम सीगी, किस तरह होया ब्लास्ट और क्यों होया। बस गड्डी आई सिलेंडर दी, सिलेंडर लाउण लगे ने, एक दो सिलेंडर लाए रहे, तीजा सिलेंडर लाउण लगे ते सिलेंडर फट गया गा, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਧੂੰਗਾ ਧੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਸਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਸੀਯੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲਾ ਸੇ ਚੋਰੀ ਹੁਆ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ NL01K0472 ਵੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਢੂੰਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੋਕਮਪੁਰਾ ਕੀ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਲੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲਾ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਗਾਂਵ ਰੜੇਵਾਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 10 ਸਪਤੰਬਰ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸੇ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਥੀ, जिसके आधार पर खानकोट के नजदीकी से प्रदीप कुमार वासी मानावाला कला को चोरी हुए ट्रक समेत काबू करके पर्चा दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन करके ट्रक को गुरप्रीत सिंह गंगानगर जो सही मालिक है उसे सौंप दिया गया है। भगवंत सिंह जिहड़ा सन ऑफ गहना सिंह जिहड़ा राजस्थान का रहने वाला सीगा, इन्हां दा ट्रक चोरी होया है 10/9/15 नूं सब्जी मंडी वल्ला चो चोरी होया सी। इहदा केस रजिस्टर कीता गया सीगा, उहदे दोषियां दी भाल जा रही सी। ਮਿਤੀ 3/10/15 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਡੇਂਗੂ ਸੇ ਬਚਾਵ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਮੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਤੋ ਸਕੂਲਸ ਮੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ की जा रही स्प्रे का असर देखने को मिला। इस संबंधी जिला शिक्षा ऑफिसर परमजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम की तरफ से हर जगह पर डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे की जा रही है। साथ ही बताया कि स्कूल्स में पानी के आरओ सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसके साथ पानी की समस्या भी दूर की जाएगी। परमजीत सिंह जिला शिक्षा ऑफिसर सेकेंडरी शिक्षा तरनतारन। नगर कौंसल वालों तो वार्ड्स दे विच जाके स्प्रे वगैरह की जा रही है ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਿਹਤੋਂ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
कि किसी भी सोर्स तो जो आर ओ का जो प्रबंध किया जाए तो बच्चों जो साफ सुथरा पानी जरा मुहैया कराया जाए। वो जी एक हूँ सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट आए है इतने जिदे बजाज जी है ने चेयरमैन उन्होंने मतलब ये कहा है कि सू जो दसा जाए जिथे जिथे आर ओ की लड़ है असं जो खुलवा के दिता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हफरूदा और लोलाब के घने जंगलों में दो अलग अलग आतंकी समूह से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान हफरूदा के जंगल में सुरक्षा बलों के चार जवान शहीद हो गए हैं। सोनिया और राहुल गांधी दोनों लालू प्रसाद के बीफ वाले बयान से काफी खफा हैं। दोनों ने महागठबंधन के नेताओं को साफ संकेत दे दिया है कि वे अब आगे चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने बीफ विवाद पर बीजेपी और केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। आजम खान ने दादरी कांड को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए टिकट के लिए ग्रीन पार्क के बाहर लाइन में लगे छात्रों को काबू करने के लिए आज पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। निर्देशक मेघना गुलजार की फिल्म तलवार इन दोनों सुर्खियों में है। ये फिल्म भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री अरुषि हेमराज मर्डर की सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमृतसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी की अध्यक्षता में की गई मैराथन की शुरुआत। अमृतसर पुलिस ने किया चोरी की वारदात करने वाले गिरोह को काबू। ऑक्सीजन के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत दो घायल। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाजत।